बसमिलकूम हैलो लर्नर्स उम्मीद करता हूँ आप सब से होंगे जैसा कि हम मुख्तलि करिकुलम के मॉडल को डिस्कस कर रहे थे आज हम जो टो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सिल्क बैक मॉडल जो कि 1976 में आया था जैसा कि टाइम के साथ साथ डिफ़रेंट मॉडल डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू पेश किए गए इसी तरह सिल्क बैक ने भी अपना जो है वो करिकुलम का एक मॉडल पेश किया डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है वो करिकुलम जो है वो जो एक साइंटिस्ट या एक्सपर्ट समझता है कि इस तरह अगर एक स्टडी को या अपनी मंजिल को या एक बच्चे को, को हमने डॉक्टर बनाना है तो वो कौन से स्टेप को फॉलो करके जो है वो एक अच्छा जो है वो डॉक्टर बन सकता है या कोई भी करिकुलम जो है वो हम अगर फॉलो करेंगे तो जो बच्चे हैं या लर्नर हैं या कोई भी स्टूडेंट है वो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बेहतर शो कर सकता है तो इस सिलसिले में वक्त के साथ साथ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम पेश किए गए जिसमें आज हम जो है वो सिल्क बैक मॉडल को डिस्कस करेंगे जो इसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी जो नया करिकुलम है जो बनाना है हमने या कोई भी अगर करिकुलम मौजूद है उसमें रिफॉर्म्स करनी है या उसको रिवाइज करना है तो सबसे पहले जो है उसकी हमने सिचुएशन एनालिसिस जो है वो करना होता है एक बात याद रखें सिचुएशन एनालिसिस और नीड एनालिसिस इन दोनों में एक डिफरेंस है जो नीड एनालिसिस होता है वो किसी भी सोसाइटी की जो एक्चुअल नीड्स होती हैं उसको नाम दिया जाता है और इसमें जो एनालिसिस का जिक्र किया गया है वो है सिचुएशन एनालिसिस तो इसके बारे में जान लें कि ये होती है किसी भी सूरत हाल का जो हम जायज़ा लेते हैं उसको जो है वो सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं इस सूरत हाल में हम जो है वो ये देखते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या उसकी हम नीड्स को पूरा कर रहे हैं या इस करिकुलम के थ्रू हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं या ये भी देखा जाता है कि क्या भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी टीचर्स तादाद कितनी है कम है ज़्यादा है या कौन सी सिचुएशन के अंदर रहते हुए जो है हम एक बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं या स्कूल में टीचर्स पूरे हैं कितने टीचर्स एवरेज जो हैं वो एक स्कूल में होते हैं या एक स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सिचुएशन क्या है सबसे पहले जो हमें सिचुएशन एलिसिस में हम ये देखते हैं इस सिचुएशन को देखने के बाद जो है हम अपना जो है वो गोल जो है वो सेट करते हैं और उसको फार्मूलेट करने की कोशिश करते हैं जब हमारा गोल्स डिसाइड हो जाता है कि हमारा ये गोल है तो उसको अचीव करने के लिए हम एक प्रोग्राम बिल्ड करते हैं और प्रोग्राम जब बिल्ड करते हैं तो उसको हम जब बिल्ड करेंगे तो फिर उसको अचीव करने के लिए अपने गोल्स को हमें जो है वो इंटरप्रिटेशंस करना होंगी और जो इंटरप्रिटेशन हमने की है इंटरप्रिटेशंस उनको हमने जो है वो इम्प्लीमेंट भी करवाना है ताकि जो हमने जो सिचुएशन को अनैलिसज करते हुए जो हमने प्रोग्राम बिल्ड किया है क्या उन जम्शन को जो है स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई किया जा रहा है या स्टूडेंट्स कितना अपना उसको लर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंसिस के अपना थ्रू उसके बाद जो है जब हम इसको देखेंगे इसका मॉनिटरिंग करेंगे इसको फिर हम स्टूडेंट से इसका फ़ीडबैक भी लेंगे जब हम स्टूडेंट से फ़ीडबैक लेंगे तो जब फीडबैक हमारे पास आएगा तो हम उसको एक अच्छे तरीके से उसकी असेसमेंट कर सकेंगे जिसके बाद हम ये फ़ैसला करेंगे के हवा जो हमने अपना गोल सेट किया था वो किस हद तक हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं या उसमें उस मज़ीद हम क्या बेहतर कर सकते हैं तो उसके लिए जो है वो हम रिकन्स्ट्रक्शन जो है इस करिकुलम में वो पैरामीटर्स भी इसके अंदर मौजूद है कि अगर कहीं पे कोई खामी या कोताही या कुछ फ्लॉज अंदर रह गए हैं तो उसको रिकन्स्ट्रकट करके जो हम अपना करिकुलम को न्यू डेवलप कर सकते हैं या अगर करिकुलम मौजूद है तो उसमें मजीद रिफॉर्म्स या उसको मजीद रिवाइज कर सकते हैं दैट्स अब आल अबाउट सिल्क बैक मॉडल थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़। मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़